हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, आप सबको न्यू ईयर 2024 की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, काफ़ी दिनों बाद मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं नेटवर्क सेक्शन पे। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा और पढ़कर समझ गए होंगे, आज जो हम बात करने वाले हैं नेटवर्क सेक्शन के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड, नेटवर्क सेक्शन में हम 5G हैंडसेट, मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी जो मैं यहाँ पे डायग्राम लिया हूँ, 5G हैंडसेट है Redmi Note 10 5G, जो कि एक MTK CPU है। जी हाँ फ्रेंड्स, MTK चिपसेट है जिसमें 68 की सीरीज चलती है, जो कि हमारा 5G CPU होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बहुत कुछ नेटवर्क सेक्शन के बारे में सिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक पीछे एक IC का डाटा शीट बना हुआ है और जो IC है APT MT 6308P। जी हाँ फ्रेंड्स, APT क्या होती है, ये APT इसको कैसे समझना है, क्या वर्क करती है। अभी तक आपने देखा होगा 4G हैंडसेट में भी एक APT पावर मॉड्यूल आता था और अब के हैंडसेट में दो APT पावर मॉड्यूल आ रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और कुछ हैंडसेट ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग में जो 4G हैंडसेट लॉन्च हुए थे उसमें आपको ये वाला IC देखने नहीं मिलेगा। तो आज पूरा मैं नेटवर्क सेक्शन में काफी कुछ खोल के रख दूंगा फ्रेंड, जिससे आपको बहुत ही कुछ सीखने मिलेगा। और ये वाला IC पूरे चैलेंज के साथ मैं इस वीडियो में पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं, इसका डाटा शीट आपको यूट्यूब या गूगल पर कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो डाटा शीट कहीं पे मिलता नहीं है, ये आपको बनाना होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये किस तरह से बनाया जाता है, कैसे इसको चेकिंग किया जाता है, ये आपको फोन फिक्स हैदराबाद की टीम आपको सिखाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे IC का डाटा शीट बनाना हो या लाइव रिपेयरिंग आपको सीखनी है या ब्लैक पेस्टेड पे काम करना है, डेड मोबाइल शॉर्टिंग लीकेज हैंडसेट को आपको रिपेयर करना है, तो आप फोन फिक्स हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें नहीं बल्कि काम सिखाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप आज हम इस IC के बारे में जानेंगे बहुत ही डिटेल में। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो IC है APT पावर मॉड्यूल है, और इससे क्या फॉल्ट बन सकता है। सबसे पहले, आपके पास काफी बार हैंडसेट नेटवर्क सेक्शन के लिए आते हैं रिपेयरिंग के लिए और आप उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके पास नेटवर्क सेक्शन की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप रिपेयर नहीं कर सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, नेटवर्क सेक्शन में सारी ट्रैकों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे RX TX पाथ हो या फिर SPDT हो या फिर जितने भी IC होते हैं इसमें, RFIC हो या RFIC के अंदर क्या क्या सप्लाई आती है, क्रिस्टल की क्या सप्लाई किस नंबर बॉल पे आती है। और फ्रेंड्स, 4GPA 2GPA, जो कि अभी तक आपने देखा होगा इस तरीके से एक 2GPA 4GPA आया करता था, ये पुराना हो चुका है, ये काफी पुराना हो चुका है। अभी जो लेटेस्ट हैंडसेट आ रहा है, आपको इस तरह के IC नहीं मिलेंगे, बल्कि अभी जो आपको PA देखने मिलेंगे इस तरीके के, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास पीछे ये लो बैंड और हाई बैंड के PA है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आप 3GFEM IC जो होती है हमारी, फ्रंट एंड मॉड्यूल जिसको हम एंटीना IC भी बोलते हैं या फिर 2GPA बोलते हैं या PFO बोलते हैं, और पावर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कुछ चेंज हो चुका है 5G नेटवर्क सेक्शन, काफी कुछ चेंजेस है फ्रेंड, बहुत कुछ इसमें सीखने को है। अगर आपके पास 5G हैंडसेट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल आप नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी सारे नए IC आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास 4GPA जो अभी तक इस तरह का आया करता था, अब 5G के लिए भी एक PA अलग से यूज किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं MT 6190 MV, ये एक हमारा RFIC है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिसको आप WTR IC बोलते हैं। और ये जो डाटा शीट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 5GPA का डाटा शीट है और इसमें दो बार आपको RFIC प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं 17-18 और यहां पे 27 और 28 पे। तो ये कैसे बनाना है, कैसे रिसर्च करना है, कैसे ढूंढना है, IC को कैसे रिपेयर करना है, ये अगर आपको अच्छे से सीखना है अगर से, तो 20 दिन हमको दे दीजिए, आप चैलेंज के साथ कहता हूं, दोबारा किसी और इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, नेटवर्क सेक्शन में जो प्रोटोकॉल यूज होता है, जैसे कि हम नॉर्मल IC जो होती है उसमें हम इनेबल सिग्नल यूज करते हैं, EN जिसे आप कहते हैं, या जो डिजिटल IC होती है हमारी, उसमें हमारा I2C प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको हम इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, और क्वालकॉम में उस पर पुलअप एक रजिस्टर का यूज करके 2.2K का उस पर वोल्टेज दिया जाता है, उसके बाद वो सर्किट काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने SPMI प्रोटोकॉल देखा होगा कि चार्जिंग सेक्शन में आपने, चार्जिंग IC में देखा होगा, पावर IC में आपने देखा होगा, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, यह SPMI एक प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू आपका DC टू DC या फिर आपकी पावर IC काम करती है।
इसके अलावा फ्रेंड बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसा मिपी प्रोटोकॉल हो गया आपका, MIPI जिसे हम मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड CSI DSI बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम लाइव क्लास में बताते हैं। अब फ्रेंड्स जो नेटवर्क सेक्शन होता है आपका, इस तरीके के काफी सारे ICs होती है, ये देख सकते हैं, ये आपके लेटेस्ट PA है जो कि आपका 5G के लिए, 5G के जो बैंड होते हैं हाई बैंड N77 और N79 और इसके जो मीडियम बैंड होता है N41। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों जो PA होते हैं, ये लो बैंड और मिड बैंड जो PA होते हैं मीडियम बैंड के लिए, यदि PA यूज किया जाता है जिसमें आपको QM77048 इस तरीके से देखने मिलेगा। ये देख सकते हैं ये हमारे पास ये डाटा शीट होती है, ये डिजाइनिंग होती है, इसकी नॉलेज होती है तभी आपको ये समझ में आता है। आज जो मैंने IC आपको बताई है MT6308MP, ये एक APD पावर मॉड्यूल है। इसमें जो होते हैं फ्रेंड्स टोटल आप देख सकते हैं 30 गोले होते हैं, 30 बॉल। अगर आप हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी अगर आप देखोगे अगर से बोरियो के अंदर, तो 2 या 3 गोलों के बारे में वो बताएगा आपको। लेकिन फ्रेंड्स फोन फिक्स हैदराबाद में अगर आप आएंगे तो इस तरीके का एक एक गोले पर, एक एक बॉल पे क्या क्या सप्लाई कब आती है, कितना वोल्टेज देना है इसको, इनपुट में क्या चाहिए, इनपुट में वोल्टेजेस क्या चाहिए। वैसे आज इस वीडियो में मैं इस आईसी का पूरा डिटेलिंग करने वाला हूं, इस आईसी के बारे में पूरी नॉलेज आपको देने वाला हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम इस आईसी की वजह से आ सकती है। वीडियो स्किप मत करिए, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए। दोस्तों ये न्यू ईयर का गिफ्ट समझ लीजिए आप हमारी तरफ से, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे तरीके के आईसी का डाटा शीट आपको पूरा यूट्यूब गूगल पर नहीं मिलता है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चैलेंज के साथ बता सकता हूं आपको, इस तरीके का हम बहुत कुछ डाटा लाइव क्लास में स्टूडेंट्स को देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आंसर देख रहे हैं आप, ये मीडियाटेक चिपसेट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपीटी पावर मॉड्यूल, एवरेज पावर ट्रैकर। एपीटी का मतलब होता है एवरेज पावर ट्रैकर। ये जो आईसी यूज की जा रही है फ्रेंड्स, फ्लैगशिप मॉडल्स में यूज की जा रही है, बेसिक मॉडल में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स अभी तक ये मीडियाटेक चिपसेट है, आपने इससे पहले मीडियाटेक में किसी में भी आपने ये वाला आईसी नहीं देखा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वालकॉम बेस्ड जो हैंडसेट होते हैं जिसमें क्वालकॉम का CPU होता है, उसमें अभी तक हमने देखा है दो तरीके से आपको ये वोल्टेज नेटवर्क के 4G PA और 2G PA को दिया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर मैं बेसिक मॉडल में बात करूं, जैसे कि इस तरीके का हैंडसेट आपने देखा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं Redmi 5, ये एक 4G का हैंडसेट है जो कि Redmi 5A का हैंडसेट है। तो इसमें अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो इसमें आपको कोई भी एपीडी पावर मॉड्यूल देखने नहीं मिलेगा, बट ये जो हैंडसेट है ये 4G सेट है। जैसे कि ये 2G PA होता है इसका FEMIC फ्रंट एंड मॉड्यूल, और ये जो होता है 4G PFO होता है। तो फ्रेंड 4G PFO को एक वोल्टेज चाहिए होता है VCC2 और VCC22 के नाम से। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस मॉडल में तो 4G हैंडसेट चलता है बट इसमें APT पावर मॉड्यूल लगा नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूरा डिटेलिंग खोल के दे दूंगा नेटवर्क सेक्शन में, क्या क्या ICs कब से यूज कर रहा है, कौन सी ऐसी नहीं यूज कर रहा है, MTK में क्या APD पावर के लिए वोल्टेजेस आते थे, MediaTek में क्या, MediaTek में कहां से APD पावर के वोल्टेजेस बनते थे पहले 4G हैंडसेट में, और अभी 5G हैंडसेट में कहां से आ रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, क्वालकॉम में ये वाला वोल्टेज पहले कहां से आता था और अभी कहां से आ रहा है, सारा चीज पूरा डिटेल में लाइव आपको दिखाऊंगा। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा इंटरेस्ट से फोकस लगाकर देखिए, बहुत सारे आंसर आपके रिटर्न जा रहे होंगे नेटवर्क सेक्शन के। ये वीडियो देखिए आप जरूर, इससे पहले भी हमने काफी सारे वीडियो नेटवर्क सेक्शन पर डाले हैं। अगर आप वो वीडियो को तोड़ तोड़ के, सारे वीडियो को जोड़ जोड़ के अगर आप देखेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे नेटवर्क सेक्शन बनाने वाले टेक्नीशियन बन सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स हम नेटवर्क सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स, जो पहले हैंडसेट आ रहे थे, जो कि मैंने अभी बताया आपको 5A, जो Redmi 5A, ऐसे बहुत सारे हैंडसेट है उसमें आपको APD पावर मॉड्यूल नहीं मिलेगा, किसी में APD पावर मॉड्यूल मिलता है आपको। तो फ्रेंड जिसमें भी APD पावर मॉड्यूल नहीं होगा और वो हैंडसेट 4G का होगा, तो वहां पे फ्रेंड जो 4G PA होता है इसका, इसको वो वोल्टेज दिए जाते हैं VPS से या फिर बैटरी के कनेक्टर से, VBAT का वोल्टेज दिया जाएगा या फिर दिया जाएगा VPS का। नॉर्मली फ्रेंड्स इस PA को इनपुट वोल्टेज चाहिए होते हैं, एक VBAT का वोल्टेज होता है जो कि सीधा बैटरी से दिया जाता है, या फिर VPS वोल्टेज होता है जो कि DC to DC के आउटपुट से निकलता है और यहां पे इसको इनपुट में दिया जाता है। सबसे पहला वोल्टेज आप 4 वोल्ट यहां पे चेक करते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक और वोल्टेज चेक करना है, उसको हम बोलते हैं IO वोल्टेज, जिसको VIO वोल्टेज इनपुट आउटपुट जिसे हम कहते हैं, जो आपको पावर एसी से बनता है वो हमारा वोल्टेज होता है 1.8 वोल्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा एक LDO वोल्टेज होता है, ये चार्जर लगाने पर भी बन जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस आईसी को VIO इसलिए दिया जाता है क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है या नहीं पता,
जितने भी नेटवर्क सेक्शन में आईसीआर होते हैं वो चलते हैं आरएफएफई प्रोटोकॉल से। जी हाँ फ्रेंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड जो प्रोटोकॉल होता है ये नेटवर्क सेक्शन को चलाने के लिए होता है। जी हाँ फ्रेंड, जितना भी सीपीयू कम्युनिकेट करता है, चाहे वो डब्ल्यूटीआर हो यानी आरएफआईसी हो, या 2GPA 4GPA या फिर DRXIC डायवर्सिटी रिसीविंग सिग्नल के लिए एक आईसी होती है जिसमें 2.7 का वोल्टेज होता है और 1.8 VIO का वोल्टेज होता है, उस आईसी को भी सीपीयू बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, वो जो करता है आरएफएफई प्रोटोकॉल से करता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक 4 वोल्टेज तो आप चेक कर लेते थे, बट यहां पे आपको एक और चीज चेक करनी है, VIO का 1.8 वोल्टेज। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें आपको जो चेक करनी होती है आपकी आरएफएफई प्रोटोकॉल जो कि क्लॉक एंड डाटा की सप्लाई होती है, और 4GPA में एक और स्पेशल वोल्टेज दिया जाता है जिसको हम आज VPA के नाम से जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, VPA वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर, ये जो वोल्टेज होता है फ्रेंड्स ये 0.3 से लेकर के 4 वोल्ट होता है, लेकिन जब तक आप सिम नहीं डालेंगे, मोबाइल को ऑन करेंगे तो 0.3 0.6 इस तरीके का आपको वोल्टेज यहां पे देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप सिम डाल दोगे तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएट होता रहेगा, क्योंकि फ्रेंड जितना आप टावर के नजदीक रहेंगे तो आपके पास नेटवर्क तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे आप टावर से जो आपके एरिया में जो घर के पास जो टावर है उससे आप दूर जाते चले जाते हैं तो आपका नेटवर्क के जो सिग्नल है वो वीक होते चले जाते हैं। तो यहां से फ्रेंड्स ये एपीडी पावर मॉड्यूल यहां पर वोल्टेज को बढ़ा करके देता है, और ये जो आईसी होती है हमारी एम्पलीफाइंग करती है, PFO पावर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जिसे हम कहते हैं फ्रेंड, या फिर PFO भी आप इसे कहते हैं या PA भी कहते हैं आप लोग, तो ये इसको एक वोल्टेज दिया जाता है 4 वोल्ट जो कि APT के नाम से होता है। लेकिन फ्रेंड जो पुराने मॉडल से उसमें आपको APT नहीं दिखेगा, वहां पे आपको VCC2 के नाम से देखने को मिलेगा, 3 पिनों पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा जो कि 0.3 से लेकर 4 वोल्ट होता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पुराने हैंडसेट की, जिसमें APT नहीं होगा उसमें आपको VBAT या VPS से वोल्टेज दिया जाता था, लेकिन फ्रेंड जिसमें क्वालकॉम सीपीयू है तो क्वालकॉम में क्या होता है फ्रेंड्स, इस तरीके का आपको एक आईसी यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ये देख सकते हैं मेरे पीछे एक APD पावर मॉड्यूल है जिसके अंदर 12 गोले हैं। जी हाँ फ्रेंड, 12 बॉल है, ये सर्किट हमने ऑलरेडी फेसबुक और यूट्यूब पे ऑलरेडी हमने डाला है, अगर आप यहां से भी देख सकते हैं, इसमें VPH इनपुट होता है, एक VIO आता है, एक RFFE प्रोटोकॉल में आपको डाटा क्लॉक की सप्लाई होती है, उसके बाद यहां पे एक कॉइल लगा होता है बक कॉइल। जी हाँ फ्रेंड, यहां पे एक बक कॉइल होता है 1 माइक्रो हेनरी का, और ये आईसी में कुछ ग्राउंड पिन होते हैं, कुछ NC होते हैं, उसके बाद ये आईसी के पास जब इस कॉइल के पास स्विचिंग होती है तो यहां पे फ्रेंड स्विचिंग होने के बाद यहां से वी आउट से आपको जो वोल्टेज मिलता है 0.3 से लेकर के 3.6, ये क्वालकॉम में होता था, और अगर आप विदाउट सिम चेक करेंगे तो 0.3 0.6 ऐसा मिलेगा, लेकिन सिम डाल देंगे तो फ्लक्चुएट होता रहेगा। ये तो हो गई क्वालकॉम चिपसेट की बात, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप अभी तक के मॉडल्स में अगर MTK में अगर आप देखोगे तो इस तरीके का कोई भी आईसी आपको नहीं मिलता था, और तो ये अगर आईसी नहीं होता है तो फ्रेंड्स MediaTek में भी तो काफी सारे 4G हैंडसेट्स है, तो उसके लिए 4GPA यूज होता है, तो उसको वोल्टेज कहां से मिलता था, तो उसको वोल्टेज जो मिलता है फ्रेंड्स पावर आईसी से। जी हाँ फ्रेंड, पावर आईसी में जो हमारी प्रोसेसर की सप्लाई होती है, हमारी कोर की सप्लाई होती है, लोअर LDO VS1 और VS2 की सप्लाई होती है MediaTek में, इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं VPA का भी सप्लाई होता है, इसके अलावा मॉडम का सप्लाई भी होता है पावर आईसी में। तो फ्रेंड्स जो MTK के सीपीयू होते हैं, जिसमें भी MTK सीपीयू है और वो 6-7 का सीरीज है, यानी 4G हैंडसेट है, क्योंकि 6-8 तो 5G हो जाएगा आपका, तो 6-7 सीरीज के जितने भी सीपीयू है उसमें आपको एक पावर आईसी मिलेगा, और वहां पे आपको एक VPA का वोल्टेज देखने मिलेगा, पास में एक कॉइल होगा और ये कॉइल से वही वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हुए नजर आएंगे आपको 0.6 से 4 वोल्ट, और सिम डाल देंगे तो ये वोल्टेज फ्रेंड्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे, और यहीं से पावर आईसी से निकल करके ये वोल्टेज आपका जाता है 4G के PA को, और वहां पर भी VCC2 के नाम से आपको देखने मिलेगा, या फिर VPA या फिर APD पावर वहां पर लिखा रहेगा इस तरीके से। APT का मतलब होता है एवरेज पावर ट्रैकर, या VPA का मतलब होता है वोल्टेज पावर एम्पलीफायर। तो फ्रेंड्स ये 4GPA के लिए जरूरी है वोल्टेज, प्रॉब्लम क्या आएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो MediaTek में अभी तक पावर एसी से ये वोल्टेज बन रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स अब जो नए हैंडसेट आ रहे हैं 5G के, देख सकते हैं फ्रेंड्स 5G के हैंडसेट में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। ये वाला जो IC है 6308P, इस तरीके के दो आईसी देखने मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको इमेज में भी बता देता हूं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे पीछे ये APD पावर मॉड्यूल है, यहाँ पे VPA 2 लगा है, VPA 1 लगा है, और यहाँ पे लगा है VPA 0।
जी हाँ फ्रेंड्स, दो दो एपीटी पावर मॉड्यूल देखने मिलेंगे आपको 5G हैंडसेट में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पे डायग्राम में भी मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे पास आप देख सकते हैं Redmi Note 10 5G हैंडसेट का हमने एक डायग्राम ले लिया है और इसका यहाँ पे स्केमेटिक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं MT6833 से समझ में आ गया होगा आपको ये 5G हैंडसेट है। यहाँ पे अगर 67 लिखा होता तो वो 4G का सीपीयू होता, उसमें 65 लिखा होता तो वो 3G सीपीयू होता और 62 लिखा होता तो वो 2G हैंडसेट होता, बट अभी यहाँ पर 68 है MT6833 तो ये वाला हमारा 5G हैंडसेट है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एपीटी पावर मॉड्यूल यहाँ पे लगे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड MT6308 MP इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं दो दो एपीटी पावर इसके पास। इसका यहाँ पे बक कॉइल है जो कि 1 माइक्रो हेनरी का होता है और इस वाले का यहाँ पे एक बक कॉइल है जो कि 1 माइक्रो हेनरी का होता है। तो फ्रेंड्स ये दो दो एपीटी पावर मॉड्यूल क्यों लगाया है उन्होंने, ये मैं आपको 5G नेटवर्क के बारे में बता रहा हूं। जी हाँ फ्रेंड, दो दो हैं तो यहाँ पे दोनों के बारे में हम जानेंगे और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो RFIC है 6190MV जो कि एक 5G RFIC है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, पहले आप इसको WTR कहते थे या बेसबैंड IC कहते हैं, तो ये वाला IC अगर आप निकाल दोगे फ्रेंड तो बेसबैंड आपका चला जाएगा, IMEI रहेगा या कभी IMEI बेसबैंड दोनों इसकी वजह से जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी आती है क्रिस्टल की जिसको हम RF क्लॉक के नाम से जानते हैं वो 26 मेगाहर्ट्ज की, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी आपको चेक करनी है और इसके वोल्टेजेस भी होते हैं 1.2 1.8 VIO और 1.8 VREG वोल्टेज आता है, वो सारा चीज हम कौन से गोले पे आपको चेक करनी है ये सारा चीज बताते हैं। वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्या चेक करना है, आप डायरेक्टली WTR बदल देते हो, आप डायरेक्टली पावर AC बदल देते हो, तो ऐसे फ्रेंड्स काम नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना होता है। तो यहाँ पे आप दो देख सकते हैं, ये 4G हाई बैंड के लिए यूज किया गया है और ये 5G का एक PFO है जो कि अभी मैं आपको लाइव आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो आप जैसा कि आपने देखा ये दो दो यहाँ पे APD पावर मॉड्यूल यूज किया जा रहा है एक ही हैंडसेट में, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया है, तो ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो होते हैं फ्रेंड 30 बॉल है इसके अंदर, कहां कहां पे क्या क्या चेक करना है सारा चीज आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये वाला भी आप देख लीजिए, इसमें अभी जो लेटेस्ट में भी इस हैंडसेट में जो लगे हैं ये वाले PA लगे हैं जो कि 4G और 5G के लिए होते हैं, ये सारे इसमें लगे हैं। तो 5G के जो हाई बैंड होते हैं N77, N79 इस तरीके के नाम होगा, अभी तक बैंड 40, बैंड 48, बैंड 41 इस तरीके से हम 4G में हाई बैंड के लिए हम देखा करते थे, चेक किया करते थे, बट अभी 5G में फ्रेंड N से मिलेगा आपको, N77, N79 इस तरीके का होगा 5G के हाई बैंड। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब इस IC में क्या क्या सप्लाई कहां पे आ रही है मैं आपको यहां पे डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा। और सबसे पहले इसका डायग्राम यहां से ले लेते हैं, U3801 ये एक IC का कोड है, इसको हम जाकर के डायग्राम में डालेंगे और इसको सर्च करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये मेरे पास एक APD पावर मॉड्यूल यहां पे आ चुका है जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो 30 गोले हैं। तो इसका डाटा शीट हमने फ्रेंड्स यहां पे बनाई है और ये APT VPA0 के साम से सप्लाई आउट करेगी और जो बाजू वाला IC है उसमें कुछ गोले डिफरेंस है और वहां पे अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स ये APT1 के VPA1 के नाम से ये सप्लाई बनाएगी, मतलब MTK में भी अभी APT पावर आपको मिलेगा। और भी हमने देखा है MTK में 42 बॉल का भी आता है और भी आप देखे होंगे अभी तक पावर AC के पास से ये वोल्टेज आया करता था, बट अभी पावर में से ना करके एक अलग से APD पावर मॉड्यूल यहां पे यूज किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इससे प्रॉब्लम क्या आती है। तो फ्रेंड्स ये APD पावर मॉड्यूल अगर खराब हो जाए या शॉर्ट हो जाए या फिर कोई इसको हीट करके हिला दिए या ये डैमेज हो चुका है, तो फ्रेंड्स ये APD पावर मॉड्यूल की वजह से आपका हैंडसेट नो सर्विस में चला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, नो सर्विस होगा और रेडियो ऑफ हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, रेडियो ऑफ के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हमारे और भी वीडियो से आप जाकर देख लीजिए, कोड होते हैं डाल करके आप चेक कर सकते हैं आपके हैंडसेट में रेडियो ऑफ हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये IC को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, तो नो सर्विस हो जाएगा और रेडियो ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा नेटवर्क आपके चले जाएंगे तो इसमें चीजें क्या क्या चेक करनी है, नो सर्विस आ रहा है, रेडियो आपका ऑफ हो चुका है, तो क्या क्या चेक करना स्टेप बाय स्टेप यहां पे हम देखेंगे। तो इसमें 30 गोले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर टोटल 30 गोले हैं।
तो इसको पहले सबसे पहले हमने इसकी डाटा शीट बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 30 बॉल आपको बनाने हैं, A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से इसकी काउंटिंग होती है, A, B, C, D, E, F। यहां से अगर आप देखोगे तो 6 गोले इस तरीके से मिलेंगे और 5 गोले इधर से मिलेंगे, मतलब 6 × 5 अगर आप करोगे तो 30 बॉल इसके अंदर है। जी हाँ फ्रेंड, 30 बॉल है। तो हर आईसी में आपको सबसे पहले जितनी हमारी डिजिटल आईसियां होती है उसका जो इनपुट होता है VPH या तो फिर VBAT इसको दिया जाता है। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स ऐसे ही अगर आप देखोगे A3 पे VBAT का सप्लाई दिया गया है, इसी तरह से VBAT1, VBAT3 और VBAT2, यानी जो रेड कलर के बॉल दिख रहे हैं ये इसका इनपुट सप्लाई होता है। सबसे पहले इनपुट देना है आईसी को, तभी तो वो आउटपुट बनाएगी। तो यहाँ पे हम इनपुट में 1, 2, 3 गोलों में इनपुट दे दिए। इसके अलावा फ्रेंड जो एलेक्स जहां पे लिखा है या BST जहां पे लिखा है, यहाँ पे भी एलेक्स लिखा है, तो एलेक्स का मतलब होता है स्विचिंग। यहाँ पे एक कॉइल के साथ ये गोले कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे आपको SW लिखा होता है या एलेक्स लिखा होता है तो वहां पे होती है स्विचिंग। क्योंकि फ्रेंड जहां पे भी एक बक कॉइल या बूस्ट कॉइल लगा होता है आपको पता होगा कि आईसी के साइड वहां पर होती है स्विचिंग। अगर आप चाहो तो उसको DSO से भी आप चेक कर सकते हैं स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि स्विचिंग होने के बाद ही जो भी कॉइल लगा है वहां पर बक कॉइल या बूस्ट कॉइल, तो बक कॉइल होगा तो लो वोल्टेज और हाई एम्पियर बनाएगा, और अगर से बूस्ट कॉइल होगा वहां पर तो लो एम्पियर और हाई वोल्टेज वहां पर वो बनाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया इसका स्विचिंग की लाइन। इसके अलावा इसमें ग्राउंड पिन जरूरी है, क्योंकि इनपुट जब आप वोल्टेज देते हो तो माइनस देना जरूरी है, प्लस के साथ माइनस चाहिए, न्यूट्रल के साथ फेस चाहिए, ऐसे ही वोल्टेज के साथ ग्राउंड पिन भी होना जरूरी है। तो ये इसमें जो पिन है ग्राउंड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पिन, टोटल 8 बॉल ग्राउंड के पिन यहां पर है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 गोले है जिसको हम RF FE प्रोटोकॉल कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड क्लॉक, रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड डाटा। तो यहां पे फ्रेंड डाटा की जो लाइन है CPU से डायरेक्ट कनेक्ट होती है D1 के साथ, और जो क्लॉक की लाइन है CPU से डायरेक्ट कनेक्ट होती है D3 के साथ, जिसमें हमारी SCL की सप्लाई होती है। ये दोनों जो पर्पल बॉल आप देख रहे हैं ये दोनों CPU से आते हैं। यहां पे आपको GR चेक करना होता है 400 से 750 के आसपास, ये GR सीधा डायरेक्टली CPU से आता है। तो यहां पे अगर लाइन OL बता रही है या शॉर्ट बता रही है तो आपको CPU पे वर्क करना होता है। इसके अलावा कुछ NC गोले हैं फ्रेंड्स इसमें, और एक सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रोटोकॉल को चलाने के लिए, जी हाँ फ्रेंड्स RFFE प्रोटोकॉल को चलाने के लिए एक 1.8 VIO का वोल्टेज जो कि E4 पे चाहिए। अगर आप ICA निकाल भी देंगे तब भी यहां पे आपको 1.8 का वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर आप पुल टेस्टिंग करते हैं तो यहां पे GR मिलेगा 250 से 350 के आसपास GR मिलनी चाहिए, यानी डायोड मोड में आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। और अगर ऑन करेंगे सेट तो यहां पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। यह वोल्टेज अगर मिसिंग हो जाएगा तो यह IC आपका काम नहीं करेगा और आपका मोबाइल नो सर्विस में चला जाएगा। अंदर अगर आप प्रोवाइडर लिस्ट चेक करोगे तो लिस्ट भी वहां पे आपकी नहीं बनेगी और हैंडसेट आपका रेडियो ऑफ में चला जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट IC है, इसकी वजह से नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आ जाएगा, रेडियो ऑफ हो जाएगा। अगर आप मैनुअली सर्च करोगे इंटरनल अबॉर्ट में जाकर के सिम के पास जाकर के तो वहां पर आपका प्रोवाइडर का लिस्ट भी नहीं आएगा। एयरटेल, जियो, आइडिया इस तरीके से आप सिम डालकर चेक करते हो वो लिस्ट भी यहां पर नहीं बनेगा, और अगर आप कॉल करोगे डायरेक्टली तो वहां पर रेडियो ऑफ लिखा आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि RFFE प्रोटोकॉल में अगर से शॉर्टिंग आ जाती है, लीकेज हो जाता है या ये IC मिसिंग हो जाता है तो रेडियो ऑफ में आपका हैंडसेट चला जाता है और नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आपको वहां पे आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर VPA 0 जो है ये C5 से आउट हो रहा है, और ये जो आउट होता है फ्रेंड्स ये हमारा जाता है हाई बैंड और लो बैंड के दोनों PA। इस हैंडसेट में ये MTK चिपसेट है, दो दो PA का इस्तेमाल किया गया है, दोनों PA के साथ एंटीना की लाइन है और ये एंटीना की लाइन डायरेक्टली ये कनेक्ट होती है आपकी मेन एंटीना स्विच के साथ। जी हाँ फ्रेंड, जो हम RX TX की पात कहते हैं या TRX एंटीना स्विच हम कहते हैं, तो मेन एंटीना तो हमारी हो गई ये वाली FEMIC। तो इसमें दो PA का इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये हैंडसेट 5G हैंडसेट है और इन दोनों PA को VPA का वोल्टेज चाहिए। VPA 0 तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा इन दोनों को दूसरे APT पावर से VPA 1 भी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, चलिए मैं अभी नेक्स्ट करके बताता हूं आपको। ये तो हो गया VPA 0 यहां पे देख रहे हैं आप, और अभी नेक्स्ट करता हूं तो यहां पे देखेंगे VPA 1 के नाम से, यहां पे VPA 1 के नाम से जो वोल्टेज आउट होगा
तो वो जाता है हमारा 4G और 5G पीए को। जी हाँ फ्रेंड्स, उन दोनों पीए के लिए वीपीए 0 की सप्लाई जा रही है और इन दोनों पीए के लिए यहां पे जा रहा है वीपीए 1 का सप्लाई। और ये जो दोनों पीए मैंने बताया है फ्रेंड्स आपको, इसमें अगर आप देखोगे दो दो बार क्लॉक, दो दो बार डाटा, मतलब आरएफएफई क्लॉक की दो दो बार सप्लाई जाती है, दो बार वीआईओ जाता है, वीपीएस दो बार जाता है। ये दोनों आईएसएम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, इन दोनों पीएम के बारे में आगे बताऊंगा। और अगर आपको इसका डाटा शीट चाहिए तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये इसका डाटा शीट है। टोटल 30 गोले है इसमें, बीच का ग्राउंड पिन होता है, ये क्लॉक की सप्लाई है, ये कपलर की सप्लाई है, ग्राउंड यहां पे देख सकते हैं, यहां पे दो बार कपलर क्योंकि इंटरनली एसपीडीटी सिंगल पोल डबल डाटा इसी में दिया है। आरएफएफई कंट्रोलर यहां पे, जिससे हम क्लॉक डाटा आरएफएफई की सप्लाई आती है, साथ ही साथ वीआईओ का वोल्टेज देकर के इस कंट्रोलर को वर्क कराया जाता है। और यही वो लाइन से जो कि सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं और ये ऐसी यहां पर काम करता है। तो देख सकते हैं सारा चीज यहां पे भी वीआईओ 1.8 दिया गया है, बाकी पीरे ग्राउंड पिंस है। यहां पे हमारी एपीटी की सप्लाई आती है, वीसीसी 2, वीसीसी 1, जो कि हमारा वीपीए 1 की सप्लाई है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये तो हो गया डाटा शीट इसका, यहां पे देख सकते हैं इस तरीके के दोनों आईसीएम यहां पे आपको देखने मिलेंगे। अब आ जाते हैं डायग्राम में, तो जैसा आपने देखा फ्रेंड्स ये दोनों आईसीएम के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक बॉल का डिफरेंस है। जी हां फ्रेंड्स, दोनों में 30-30 गोले तो है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं यहां पर यूएसआईडी की जो पिन है इसमें वीपीए 0 में ग्राउंड है, और अगर से मैं दूसरे में बता दूं आपको तो ये देख सकते हैं यूएसआईडी की पिन में यहां पर 1.8 वीआईओ का वोल्टेज आना चाहिए, जो कि हमारा वीआरईजी 1.8 जो कि पावर आईसी से आता है। तो ये गोले में 1.8 का वोल्टेज आना ही आना है। और ये वीपीए 2 जो है, वीपीए की जो हमारी सेकेंडरी एपीडी पावर है, ये हमारे इन दोनों पीए के लिए वोल्टेजेस बना रही है। और जो पहली वाली वीपीए है ये हमारे इन दोनों हाई बैंड और लो बैंड के पीए के लिए ये वोल्टेजेस बना रही है। तो फ्रेंड्स ये एक आईसी है जिसको मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस तरीके के पीए आपको देखने मिलेंगे, और पहले जो आया करते थे ये 4G के लिए, और ये 2G पीए हमारा जिसको हम एंटीना आईसी बोलते हैं, जो आपके एंटीना की जो हमारी आरएक्स टीएक्सी लाइन होती है इस एंटीना स्विच से होकर के इसमें आती है। और यहां पर आपको कुछ कंपोनेंट मिलते हैं जो कि हमारे डिटेक्शन पॉइंट होते हैं, एंटीना डिटेक्शन जिसको हम जो कि सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं। यहां पर डिवाइडर सर्किट होता है जो कि मैं लाइव क्लास में बताता हूं आपको। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे से सीखनी है, हम क्योंकि फ्रेंड यहां पर डायग्राम के थ्रू हम पढ़ाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीआईओ E4 पे आ रहा है, क्लॉक डाटा D1 D3 पे आ रहा है, यूएसआईडी ये वीपीए 0 है तो इसमें यूएसआईडी को ग्राउंड कर दिया गया है। देख सकते हैं तीन पिनों में वीबैट की सप्लाई इनपुट हो रही है, ये सारे ग्राउंड पिन है। और इसके अलावा यहां पे कॉइल के थ्रू यहां पे वीबैट की सप्लाई देकर के स्विचिंग कराई जा रही है, एनएक्स और एसडब्ल्यू जहां भी होगा वहां पर आपको स्विचिंग होती है। और ये देख सकते हैं ये सारे पिन इनके एनसी है, और वीपीए आउटपुट जो C5 से निकलता है। बट फ्रेंड्स यहां पे भी एक कॉइल लगा होता है और यहां पे भी आपकी एक कैपेसिटर को ग्राउंड किया गया है, और ये हमारी होती है वीपीए वी बूस्ट की सप्लाई होती है, जो कि यहां पर वीबैट की सप्लाई यहां पर 4 वोल्ट यहां पर भी आते हैं। और जो हमारा मेन इस आईसी का आउटपुट होता है ये होता है वीपीए 0, यहां पे आपको 0.3 से लेकर के 4 वोल्ट के आसपास मिलता है। और ये जो वोल्टेज जा रहा है फ्रेंड यहां पे हमारा दोनों पीए के लिए जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो आईसी है एपीटी पावर मॉड्यूल जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है, अभी तक मीडियाटेक में इस आईसी को हम पावर आईसी पे काम करते थे, नेटवर्क सेक्शन में इस तरीके से पावर पे काम करते थे। और क्वालकॉम में अगर बात करें तो इस तरीके का एक आईसी आपको देखने मिलता था 12 गोलों का, तो हम इस पे काम करते थे। इसको डिवाइडर सर्किट के थ्रू हम बाईपास भी करते हैं, इसको 47K के दो रजिस्टर लगा करके एक पैरेलल में एक सीरीज में, और वहां पर इनपुट में 5 वोल्ट देकर के हम इसको भी रिपेयर इसको भी बनाते हैं। बट फ्रेंड्स प्रॉपर जो होता है आपका बाईपास करना ये कोई प्रॉपर काम नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स जो एक्चुअल में काम होता है, ये पूरे स्मार्ट मोबाइल है हमारे, स्मार्टफोन है, इसमें हमको कब सिम कब हम कॉल कर रहे हैं सारा चीज सीपीयू इंफॉर्मेशन लेता है, कब 4G नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, कब इंटरनेट ऑन कर रहे हैं, कब स्लीप मोड में हमको डालना है, कब स्लीप मोड से हमको जगाना है, कब लाइट बंद करनी है, कब ग्राफिक को लेकर आना है, कब चार्जर हमने लगाया है, सारा सीपीयू को इंफॉर्मेशन जाती है। तो हमारा हैंडसेट स्मार्टफोन है,
तो कोशिश करें आप प्रॉपर रिपेयर करके देने की, आईसी खराब हो जाए तो आईसी ही बदल के दे, अदरवाइज वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जुगाड़ वाला काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा आपका। जंपर मारने की कोशिश मत करिए, डिवाइडर सर्किट बनाने की कोशिश मत करिए, आईसी रिप्लेस करिए, कुछ स्क्रैप बोर्ड लीजिए, अच्छे से रिपेयर करके दीजिए, कस्टमर को रेगुलर के लिए बनाइए। बाईपास करना कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, हमने बाईपास का भी सोल्यूशन ऑलरेडी डाला है और लाइव करके भी हमने बताया है। काफी सारे बच्चे 2000 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे जाकर के मार्केट में काम कर रहे हैं, काफी 5-6 साल से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं मार्केट के फील्ड में, इस फील्ड में 2000 से ज्यादा बच्चे फोन फिक्स हैदराबाद से हमारे से सीखकर जा चुके हैं, और हैदराबाद में फ्रेंड 3 साल से काफी सारे स्टूडेंट यहां से सीखकर जाकर पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो फोन फिक्स हैदराबाद में एक स्पेशलिटी आपको देखने मिलेगी कि यहां पर टीचर के साथ साथ सारे स्टूडेंट लाइव काम करते हैं। हमारे फेसबुक और YouTube कम्युनिटी और WhatsApp के स्टेटस पर जाकर देखिए, डेली लाइव स्टूडेंट के पोस्ट होते हैं वहां पर, जो डेली वो काम करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है फ्रेंड जो हमारे स्टूडेंट नहीं करते, चाहे डबल डेकर हो, ब्लैक पेस्टेड हो, वन प्लस का हैंडसेट हो, सैमसंग के नोट सीरीज हो, या शॉटिंग वाले हैंडसेट हो, या MMC प्रोग्रामिंग की बात हो, या UFS प्रोग्रामिंग की बात हो, डाटा रिकवरी की बात हो, MMC चेंज की बात हो, UFS चेंज की बात हो, जी हाँ फ्रेंड UFS चेंज भी हमारे यहाँ पे बताया जाता है आपको। तो एक फोन फिक्स हैदराबाद एक कंप्लीट पैकेज आपको देता है। अभी फ्रेंड 27 जनवरी से VVIP क्लास, जो कि हम दिल्ली लक्ष्मी नगर करोलबाग के नजदीक, 15-20 मिनट का दूरी है करोलबाग के नजदीक दिल्ली लक्ष्मी नगर में, हमारा 27 जनवरी से बैच है जो कि 20 दिन की पूरी ट्रेनिंग देती है, एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग होगी आपकी। जी हाँ फ्रेंड, जो भी पहले से काम कर रहे हैं या आपको कुछ भी फॉल्ट आ रहा है, 10 से 15 हैंडसेट लेकर आइए, लाइव आपसे रिपेयर कराएंगे। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही कम फीस है इंडिया में, अगर आप पूरा कंपेयर करेंगे जितने इंस्टीट्यूट इंडिया में चला रहे हैं, सबसे कम फीस हमारी है। ये जो लेवल पे हम ट्रेनिंग देते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही रीजनेबल हमारी फीस है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप 10-15 हजार देखकर 20 हजार देखकर जा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको उतना ही इनकम होगी। बेसिक काम तो फ्रेंड आप हमारे YouTube चैनल पर देख देख कर काफी सारा कर लेंगे, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है दोस्तों, खाली आईसीओ पे हीट मारने से काम नहीं होगा, नेटवर्क सेक्शन बना नहीं पाते लोग, घूमते रहते हैं सेट, रीजन ये है फ्रेंड उसकी नॉलेज नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी एक चीज आपको बताता हूं, जैसे यहां पे देख सकते हैं आप, इस तरीके का एक छोटा सा आईसी आपको देखने मिलेगा, ये देख सकते हैं, ये वाला आईसी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर आप बात करेंगे, ये एंटीना लाइन की सप्लाई में लगी हुई है, देख सकते हैं ये छोटी सी आईसी है, और इसका अगर मैं डायग्राम में आपको बता दूं, तो बताते हुए आगे चलता हूं आपको, 4501 और डायग्राम में आते हैं, तो इसमें भी आपको RFFE प्रोटोकॉल की सप्लाई आपको देखने मिलेगी, देख सकते हैं एक छोटा सा आईसी है, इसमें भी अगर आप देखो क्लॉक डाटा VIO इसमें आ रहा है। तो फ्रेंड ये छोटे छोटे आईसीया होते हैं, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, एक रजिस्टर मिस हो जाए या आईसी में हीट चला जाए तो आपका नेटवर्क गया। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि एडवांस सर्किट होता जा रहा है, बैटरी पर ITC क्लॉक डाटा की सप्लाई आ रही है, CPU डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले रहा है, ID थर्मल को हटा दिया है, अभी 5G में दो दो बैटरी आ रही है। ऐसे ही फ्रेंड, ऐसे ही एंटीना पर भी अभी I2C प्रोटोकॉल आएगा 5G हैंडसेट में। जी हाँ फ्रेंड, अभी तक तो आप 2GPA 4GPA में प्रोटोकॉल चेक किया करते थे, अभी आपको इस तरीके के एंटीना पर भी आपको चेक करनी होती है प्रोटोकॉल की सप्लाई, और यहाँ पे भी इस वाली छोटी आईसी में भी आपको देखनी होती है RFFE प्रोटोकॉल की लाइन सही है कि नहीं है। अभी हाफ फ्लाइट मोड का प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि सब बोर्ड में आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, या आपका फ्लक्स पत्ता जो मेन बोर्ड से सब बोर्ड को जो बेल्ट नीचे जाता है उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हाफ एयरप्लेन मोड का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि DRS का जो आईसी होता है नीचे लगा होता है कई सारे हैंडसेट में, डाइवर्सिटी रिसीविंग सिग्नल के लिए एक आईसी यूज की जाती है, उस आईसी में भी RFFE प्रोटोकॉल होता है, उस आईसी में भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपका हैंडसेट नो सर्विस में चला जाएगा, रेडियो ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स I2C प्रोटोकॉल को चेक नहीं किया जाता है नॉर्मल तरीके से। जी हाँ फ्रेंड, उसको चेक करने के ट्रिप्स एंड टेक्निक्स होते हैं, नॉर्मली आपको वहां पे GR भी मिलेगा, लेकिन तब भी आप पता नहीं कर पाएंगे कि वो जो GR है कि सही है कि नहीं है, उसको कैसे जानना है, अगर अच्छे से सीखना है तो ज्वाइन करिए फोन फिक्स हैदराबाद। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरीके के काफी सारे डाटा शीट हम स्टूडेंट को देते हैं, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, 4GPA 2GPA WTR HDR और APD पावर, इस तरीके का डाटा शीट हर स्टूडेंट को हम यहां पे देते हैं, चार्जिंग सेक्शन का देते हैं,
छह लेग का लाइट आईसी हो, 12 बॉल का डी8 आईसी हो, या सुपर ऑमलेट का 16 बॉल का आईसी हो, या सुपर ऑमलेट में जो बॉल आईसी आ रही है वो हो, या लेग वाला पीए हो, रिंगर पीए हो, या 16 बॉल का रिंगर पीए हो, हर एक का वाईफाई का, कैमरे का, सेंसर का, टच का, सबका हम डाटा शीट यहां पर इस तरीके से बना करके देते हैं, लाइव चेक करके बताते हैं, लाइव स्टूडेंट रिपेयर कर लेते हैं इजी तरीके से। क्योंकि फ्रेंड्स आप इस तरीके से डायग्रामों में अगर देखते रहेंगे ना आपको समझ नहीं आएगा, जब तक कोई टीचर आपको समझाने ले तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको बनाना कैसे है। तो फ्रेंड दो दो एपीडी पावर मॉड्यूल आ रहे हैं, तो आपको जरूरत है, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। ये तो हो गए दो एपीडी पावर मॉड्यूल एमटीके में। इसके अलावा कॉलकम में भी आपको एपीडी मॉड्यूल दिखता है, उसमें कैसा होता है ये सारा चीज हम यहाँ पे बताते हैं। प्रॉब्लम्स आपको मैंने बताए, नो सर्विस आ रहा है, रेडियो ऑफ हो रहा है, अंदर आपके आप चेक कर रहे हो प्रोवाइडर लिस्ट नहीं बन रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करनी है। डायरेक्ट आपको WTR नहीं बदलना है, डायरेक्ट 2GPA 4GPA नहीं बदलना है, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। तो ये तो एक छोटा सा सोल्यूशन मैंने दिया है फ्रेंड्स आपको, ये आप डाटा शीट लेकर के आपके पास रख लीजिए, पूरा YouTube Google पर कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही 5G हैंडसेट का काफी सारा डाटा है, आप हमारे क्लास में आएंगे ना आपको हम 5G हैंडसेट पे काम सिखाएंगे, DSO पे काम सिखाएंगे, एक एडवांस लेवल पे आपको काम सिखाएंगे, जहां पे आप बैठकर ये डाटा के साथ काम करोगे आपके लेवल का टेक्नीशियन आपके मार्केट में नहीं होगा, गारंटी के साथ बताता हूं फ्रेंड्स आपको। लाइव रिपेयर यहां से करके ले जाइए आप, जी हाँ फ्रेंड 100% CPU सक्सेस होता है। ब्लैक पेस्टेड 5 दिन के अंदर आप ब्लैक पेस्टेड करते हो, 8 से 10 दिन के अंदर आप डबल डेकर बनाते हो, जी हाँ फ्रेंड्स डबल डेकर का यहाँ पे लाइव क्लास होता है, क्योंकि मार्केट में स्टूडेंट कर नहीं पा रहे हैं, शॉर्टिंग के निकालने नहीं आ रहा है, इजीली ट्रिक हम यहाँ पे देते हैं, लो लीकेज निकालने आपको नहीं आता है, इजी ट्रिक हम यहाँ पे बताते हैं, ट्रेसिंग इतना आसान कर देंगे आपके लिए, डायग्राम रीड करना इतना आसान कर देंगे, बच्चों का खेल आपको यहाँ पे बना देंगे, जी हाँ फ्रेंड बच्चों के खेल जैसा आपको यहाँ पे सिखाते हैं, 10 घंटा आपके पीछे मेहनत करते हैं। यही एक रीजन है यहाँ का स्टूडेंट जाकर के दोबारा किसी और इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, 6 महीने के अंदर हम खुद वापस बुलाते हैं, कोई 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे, दोबारा भी आपको यहाँ पे बुलाते हैं, साल भर का सपोर्ट देते हैं, और स्टूडेंट बहुत ही हैप्पीली एकदम सेटिस्फाई होकर के काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स न्यू ईयर आ चुका है, आप सबको तहे दिल से फोन फिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ये साल आपका बहुत ही अच्छा हो, बहुत आप आगे बढ़े, बहुत कुछ सीखें, और अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और सीखते रहिए, अपडेट होते रहिए, और अपना प्यार फोन फिक्स हैदराबाद की टीम को ऐसे ही देते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना फ्रेंड, प्रैक्टिकली वीडियो बहुत सारे लेकर आएंगे, जैसे हम हैंडसेट हमको मिलते रहते हैं ऐसे ही हम वीडियो लेकर आएंगे, अगर प्रैक्टिकली हैंडसेट हमारे पास नहीं आते हैं तो हम आपको इस तरीके का नॉलेज देते रहेंगे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं इस तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।